नमस्कार दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे मैं, ये मेरा दूसरा वीडियो है। मेरा पहला जो वीडियो था जो मैंने स्टीव वोजनियाक पर बनाया था, उसको आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में एजुकेशन सिस्टम, माँ पेरेंट्स की जो थिंकिंग है और एजुकेशन को कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों, सभी माता पिता में एक गंदी आदत होती है तुलना करने की। हर माँ बाप अपने बच्चे का मूल्यांकन परसेंटेज से करते हैं। हर घर में एक आम डायलॉग होता है जो हर माँ बाप बच्चे को सुनाते हैं कि तू शर्मा जी के लड़के को देख। तो दोस्तों, हर माँ बाप ये भूल जाते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियों को अंगुलियों से नहीं खोला जा सकता। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो गुलाब खुद खुलता है और चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। तो बेहतर होगा कि हम गुलाब को खिलने का एक मौका दें, एक अवसर दें, एक बेहतर समय बनाएं, माहौल बनाएं। गुलाब की पंखुड़ियों को हमको हाथ से खुलना नहीं है। दोस्तों, मेरा तो मन करता है कि 101 ऐसी स्कूल बनाओ इस भारत देश में जहां गेट पर बोर्ड लगाओ कि यदि आप रट रट कर 90% मार्क्स लाए हैं तो आपका यहां पे प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप में स्वतंत्र प्रज्ञा है और आप मात्र 40% ही मार्क्स लाए तो आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्रिएटिविटी अगर हमको चाहिए, हमको बालकों को सफल बनाना है, देश को सफल बनाना है, तो हमें परसेंटेज के बदले स्किल को ध्यान देना होगा। और मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अपना आई कार्ड ना बनाए। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कुछ प्रयोग किए हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उनका क्या काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, इन प्रयोग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले मैं बताऊं दोस्तों कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। तो एजुकेशन जो शब्द है, ये ग्रीक शब्द एड्यूस से बना है। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ विद इन, यानी जो अंदर की क्षमताएं उनको बाहर लाना, बच्चे के अंदर जो स्किल है उसको बाहर लाना है, उसको खिलने के लिए, बच्चा एक फूल है उसको खिलने के लिए एक मौका देना है। पर हमारे देश में उल्टा होता है। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ के हर शिक्षक समझता है कि बच्चा एक कोरी स्लेट है और उस पर वो अपने ढंग से लिखना चाहता है। हमारे यहाँ बच्चे की प्रज्ञा को, उसके स्किल को डेवलप करने के लिए कोई स्कोप नहीं दिया जाता है। शिक्षक को मात्र एक कैटालिटिक एजेंट बनना है, शिक्षक को बच्चे का फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बनना है। हमारे देश में दोस्तों होता क्या है, बच्चे की हम स्वतंत्र प्रज्ञा विकसित करने के बदले शिक्षक पुस्तकों से ज्ञान हासिल करता है, रटता है और उसको बच्चों के दिमाग में भर देता है। ये पूरा, इसको हम एजुकेशन तो नहीं कह सकते। और फिर बच्चा उसी को रट लेता है, एग्जाम में जाकर लिख देता है, मार्क्स आ जाते, बात पूरी हो जाती है। यहां पर सीखने की कोई बात आती नहीं है। हमें बच्चों को बस एटमोस्फियर देना है। और तो दूसरी प्रॉब्लम है हमारी शिक्षा पद्धति की लेक्चर। हमारे सारे हायर एजुकेशन हो या प्राइमरी एजुकेशन हो, सभी जगह पे लेक्चर पद्धति चलती है। एंड बिलीव मी फ्रेंड, किसी को भी लेक्चर सुनना अच्छा नहीं लगता। तो इसमें मैंने एक नई पद्धति अपनाई है। इसमें मैं क्या करता हूं, जैसे सोशल साइंस है, साइंस है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें टॉपिक को स्टूडेंट्स का 6-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना करके टॉपिक्स को बांट दिया जाता है। बच्चे टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, यूट्यूब, गूगल से स्टडी करते हैं अपने ढंग से और वो टॉपिक को तैयार करते हैं। उसके बाद बच्चों को ग्रुप में डिस्कस करने दिया जाता है। हर बच्चा अपने ढंग से डिस्कस करता है। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो डेमोक्रेसी के बारे में बच्चे को मैं डेमोक्रेसी क्या है वो बताने के बदले बच्चे खुद जानता है कि डेमोक्रेसी मतलब क्या। बच्चा खुद स्टडी करता है कि डेमोक्रेसी से क्या लाभ है, क्या हानि है। तो इस तरह से जो सीखी हुई चीज है काफी लंबे समय तक चलती है। मैथ्स की बात करूं तो कुछ दिनों पहले मुझे, मेरी मुलाकात एक शिक्षक से हुई। तो उन शिक्षक ने शिकायत करते हुए मुझसे कहा कि मैं बच्चों को एक एक सवाल कई बार सॉल्व कराता हूं और बच्चे सीख ही नहीं पाते। तो मैंने कहा कि साहब, आपकी जो पद्धति है वो गलत है। मैथ्स बच्चों को आपको सॉल्व करके नहीं सिखाना, बच्चों को से सॉल्व करवाना है। बच्चे को सोचने के लिए आजाद कीजिए, बच्चे को सोचने का मौका दीजिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है, मैथ्स का पैटर्न समझता है। तो उसके बाद आपका रोल खलास हो जाता है। तो मैथ्स को इस तरह से पढ़ाया जाए, बच्चे को खुद सोचने का मौका देना चाहिए, बच्चे को खुद सवाल सोल्व करने देना चाहिए, तब जाकर वो मैथ्स का पैटर्न समझेगा, उसके लिए चीजें आसान हो जाती है।
फिर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो जनरली स्कूलों में क्या होता है कि टीचर्स बच्चों के सामने कविता रटाते हैं, गाते हैं, उसका अपने ढंग से ट्रांसलेशन करके समझा देते हैं। और जबकि मेरा मानना है कि कविता का ट्रांसलेशन करके कभी नहीं बताना चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र प्रज्ञा, उसको अपने ढंग से उसका मीनिंग निकालना चाहिए। तो उसके बदले हम क्या करते हैं कि हम बच्चे को खुद कविता कहानी लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बच्चा अपने ढंग से कविता और कहानियां लिखता है। कई बार ऐसा होता है कि कविता कहानियां मीनिंगलेस होती है बट उससे कोई समस्या नहीं आती है, बच्चे के अंदर एक स्वतंत्र प्रज्ञा विकसित होती है और जो बच्चे एक्चुअली इंटेलिजेंट हैं वो काफी शानदार परफॉर्मेंस भी करते हैं। तो इन शॉर्ट दोस्तों, मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि हमको एक एटमॉस्फेयर देना है, हमको गुलाबों की खेती करनी है, हमको गुलाब को खिलने के लिए सारा एटमॉस्फेयर देना है और गुलाब अपने आप खिलेंगे, चारों ओर खुशबू बिखर जाएगी। दोस्तों आई एम श्योर कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर तो अवश्य बनता है। और यदि हाँ अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आप भी सफलता परिवार के सदस्य बन जाए। मेरा वीडियो इतने प्रेम पूर्वक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।